हमरी छोड़ो ना बैया अवध सैया हमरी छोड़ो ना बैया सिया के सैया हमरी छोड़ो ना बैया सिया के सैया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कैलेंडर में लिखी एक तारीख नहीं बल्कि एक नए कालचक्र का उद्गम है। उपरोक्त बातें प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर उपस्थित विशिष्ट लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने यह भी कहा, कितनी ठंडियां हम निकालने के बाद इस ठंडी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को उनके नवनिर्मित मंदिर में सम्पन्न करा पाए। उन्होंने न्यायपालिका को धन्यवाद देते हुए कहा कि देश की न्यायपालिका ने न्याय की लाज रख ली। उन्होंने कहा, आज से राम से शुरू होकर राष्ट्र का निर्माण होने जा रहा, जिसके लिए हम सभी को संकल्प लेना चाहिए। राम के रास्ते के निर्माण के लिए हमें अपना हर पल वाकड़ कर लगा देना है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज हम आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना जहां बनाने का हमने संकल्प लिया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खुशी जताई। उन्होंने कहा, यह हमारा संकल्प था, हम प्रतीक्षा कर रहे थे राम मंदिर निर्माण की, जो भी कि आज पूरा हुआ। आज हमारे संकल्प की पूर्ति हुई, प्रतिष्ठा की समाप्ति हुई, इसके लिए हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व RSS प्रमुख मोहन भागवत को राम मंदिर मॉडल भी भेंट किया। बताते चले, आज प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के पूर्व से ही संपूर्ण अयोध्या में उत्साह का माहौल बखूबी देखने को मिला। सुबह से ही जगह जगह नगर के सभी छोटे बड़े मंदिरों को सजाकर हवन पूजन राम भजन का कार्यक्रम शुरू हो गया। समूचे शहर में बंदी जैसा माहौल था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहा। सुबह से ही लोग हाईवे किनारे खड़े होकर प्रधानमंत्री की झलक पाने को तत्पर दिखे। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में सुरक्षा के 400 बंद इंतजाम किए गए। प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर प्रधानमंत्री के आगमन के बाद समूचे अयोध्या में देश के कोने कोने से आए लोगों के द्वारा सड़क पर राम भजन व कीर्तन गाकर अपने उत्साह को प्रदर्शित किया गया। आम जनमानस के बीच यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से राष्ट्र समारोह और धार्मिक कार्यक्रम के रूप में देखा गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हेलीकॉप्टर से राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई, जिसके बाद राम भक्तों का उत्साह दुगना हो गया। उनके द्वारा इस दौरान जय श्री राम के नारे से पूरी अयोध्या गूंज गई। हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं अयोध्या में कैसा उत्साह प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आज दिखाई पड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम। नेपाल से, मैं काशी में जन्म हुआ, नेपाल भीरकोट नेपाल से, और अभी अमेरिका में हम लोग रहते हैं। वहाँ से रामलला की जन्मभूमि आए हैं। भगवान राम तो हमेशा त्रेता युग क्या उसके पहले से ही भगवान श्री राम अपने सारे रूप में रहते हैं। और मैं बर्फानी दादाजी की शिष्या हूँ, अभी यहाँ खाक चौक में हूँ, और माँ राज्य लक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं मुझे। और हम सब लोग निकले हैं बस इसलिए क्योंकि आज ब्रह्मा विष्णु महेश महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती गणेश कार्तिकेय भगवान हर एक 33 कोटि डिफरेंस है के देवी देवता गण किन्नर हर कोई यहाँ आया है, विराजमान है इस अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में। सबकी ऊर्जा सिर्फ इस क्षण की प्रतीक्षा में है कि भगवान रामलला, जो कि उनका प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, आंखों पे रवि पट्टी बनी है सोने की, उससे उनकी आंखों में काजल किया जाएगा, उसके बाद भगवान की पट्टी खुलेगी। उस दृश्य को देखने के लिए भगवान शिव जो गोपेश्वर बन के कृष्ण भगवान के जन्म के समय उन्होंने नृत्य किया था, आज अगर आप आंख मूंद लें और उसको अपने शरीर में, अपने मन में, आत्मा में आत्मसात कर लें, फिर आपको उसकी अनुभूति होगी, उस दिव्य का दर्शन भी होगा, ये मुझे लगता है।
मैं इसी को अनुभव करने के लिए बाहर से आई हूँ और सड़कों पर आप लोगों के सामने हैं, क्योंकि वो कहीं एक जगह नहीं है, उन्हें अगर देखना है, जानना है, तो वहाँ से जुड़ना होगा। कण कण में है, कण कण में है, पर जो विवाद अनुवाद ये सब हो कि भगवान कण कण में है, तो क्यों मंदिर, क्यों रामलला? हमें साक्षात सगुण ब्रह्म चाहिए। निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो पूजा करना चाहता है, उपासना करना चाहता है, जय सियाराम। पर हमें सगुण साकार ब्रह्म चाहिए, हमें माँ जगदम्बा चाहिए, हमें नर्मदेश्वर पहनी हूँ, हमारे योगी राज बर्फानी दादाजी चाहिए। क्या होता है, सगुण, जब आप सगुण साकार ब्रह्म की आप उपासना करने लगते हैं, तो कनेक्शन बहुत तीव्र होता है, तुरंत होता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ऐसा नहीं है, सभी आफ्टर सम टाइम वो एक ही हो जाते हैं, परम ब्रह्म, परम पिता, परमाश्वा, परमेश्वर में ही विलीन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस दिव्य रूप का महाभारत में कई बार उन्होंने प्रकट हुए थे उस रूप में, उसको सिर्फ शिष्य से शादीमान त्वाम प्रपन्नम, जब अर्जुन घुटनों के ऊपर होके हाथ जोड़ के कि मैं आपका शिष्य हूँ प्रभु, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, तब शबरी ने भी भगवान राम को ज्ञान दिया था, आगे का मार्ग दिखाया था। तो भगवान किस रूप में मिलेंगे किसी को नहीं पता, आप भी मेरे लिए भगवान हो, आप में भी वही दैविक शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है जो मुझ में है। बस फर्क इतना है, कोई पीएचडी करता है, कोई किंडरगार्टन में रहता है, ये हमारे संचित कर्मों का फल है। तो इसी आनंद में मैं, महाराज जी आपका अयोध्या आगमन पहली बार है कि दूसरी बार? कई बार आ चुकी हूँ, हमारे गुरु महाराज का आश्रम है यहाँ, हमारे गुरु महाराज के गुरु अर्जुन दास जी महाराज, एक्चुअली ये रामन, ये जो अयोध्या नगरी है, श्री अयोध्यापुरी है, ये रामानंदी 99% रामानंदी यहाँ रहते हैं, और कितने गुरुकुल, कितने आश्रम, कितने भंडारे चलते हैं यहाँ, तो भगवान ने यही स्थान चुना। और आदि गुरु रामानंदचारी की जो खड़ाऊ है वो वहाँ पंचगंगा घाट में काशी में है, मैं काशी की बिटिया हूँ, वहाँ से चल के नेपाल गई, और अयोध्या जी जो अब जो सजी है, आपका विवाह नेपाल में हुआ? जी हाँ, और महाराज वो जो ज्ञानेन्द्र सरकार हैं, ज्ञानेन्द्र महाराज धीराज के बड़े भाई का, कि मैं जो बड़े भाई के बेटे हैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, पर हम दोनों ने ही गुरु की इच्छा से यही रूप धारण कर लिया है और बस इसी मार्ग पर चल दिए हैं। तो आप अमेरिका से कब आए? अमेरिका से तो हमें 2 महीना हो गया निकले हुए, यहाँ मैं 10 तारीख को आ गई थी, अमेरिका से 2 महीना का, बस नेपाल में बहुत जगह गई, पहाड़ों पर गए, वहाँ की स्थिति देखा, पशुपतिनाथ का दिव्य दर्शन किया, वहाँ के मूल भट्ट जी ने मुझे, महाराज जी हम रोकना चाहते हैं आपको, आप पहले कई बार अयोध्या आ चुकी हैं, तब की अयोध्या में और आज की अयोध्या में कुछ फर्क दिखाई पड़ रहा है? बहुत अंतर, पहली की अयोध्या जानबूझ के, जैसे काशी की गंगा को, काशी नगरी को ओपन सुअर, सभी चीज सरयू में डंप किया जाता था, सब कुछ माँ गंगा में, माँ सरयू में डंप होता था, सब कुछ माँ गंगा में डंप होता था, तो हमारी नदियाँ जब पवित्र नहीं रहेंगी, उनका जल पवित्र नहीं रहेगा, तो हम उनका आचमन लेके माथे पर कैसे चढ़ाएंगे? हाँ, शुद्धोदक होता है ना, वो शुद्ध करने वाला जल है, तो इसलिए ये देखिए, भगवान किसी को, व्यक्ति विशेष को निमित्त बनाते हैं, किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी व्यक्ति विशेष को निमित्त बनाते हैं। मोदी जी और योगी जी को निमित्त बनाया है, निमित्त बनाया है, और फर्क इतना है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मेरी जन्मभूमि मिथिला की है, जीजी मेरी जानकी, जीजा मेरे राम, और मैं जीजा जी के
इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेने के लिए आया हूँ। कैसा महसूस हो रहा है आपको? महसूस हो रहा है कि महाराजा विक्रमादित्य के समय की अयोध्या को मेरे जोगी और मोदी भैया ने प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया। मैं अपना निजी अनुभव कहूँ, 55 वर्ष तक मैंने पटना हाई कोर्ट में वकालत भी किया, उस आधार पर 55 वर्ष तक आवर हनुमंत लाल जी इज ऑल माइटी थ्रू यूनिवर्स इंक्लूडिंग 84 लाख क्रीचर्स लिविंग इन दिस वर्ल्ड बिकॉज एवरी क्रीचर्स आर डिपेंड अपॉन ब्रेथ सो दैट वी शुड हैव टू। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय सदगुरु भगवान, मेरे माता पिता स्वरूप मेरे जीजा जी को प्रणाम। क्या ऐसा मानते हैं कि ये धार्मिक मुद्दा होगा भविष्य में या राजनीतिक मुद्दा अधिक बनेगा? राजनीतिक छोड़ दीजिए, यह धार्मिक मुद्दा है भैया। जो भी कर्म कर रहे हैं, मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि मोदी भैया राम रूप में और जोगी भैया लखन रूप लखन लाल के रूप में इस अयोध्या का जो है सो पुनर्निर्माण कार्यक्रम किए हैं। जैसे बहुत जगह सुनने में आता है कि ये राम जन्मभूमि निर्माण के मामले में जहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है, इसमें योगी जी और मोदी जी का क्या रोल है? गोगई साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वे हमारे मित्र थे। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हमारे राजा हनुमानगढ़ी के हनुमान दादा उनके ऊपर जो है सो बरदस्त दे करके अपना ये निर्णय लिए हैं। और साधारण बात नहीं है, ये जुग जुगांतर से कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितनी खून की नदी बही, कितने शहीद हुए हमारे संत महात्मा, लेकिन आज तक कोई प्रधानमंत्री को ये औकात नहीं था जो मेरे काम मोदी भैया और जोगी जी भैया ने मिल करके किया है। बहुत बहुत सतायु हो, हम साधु के रूप में अयोध्या वासियों के उससे यही आशीर्वाद देंगे, शुभ नाम कर्म के शुभ कामना करेंगे कि जोगी भैया और मोदी भैया सताई हो, ताकि हमारी संस्कृति की सनातन धर्म की रक्षा हो सके। धन्यवाद। क्या है नाम है महाराज जी? सिया बिहारी शरण श्री सदगुरु बधाई भवन महाराज श्री जानकी शरण जी महाराज के कृपा पात्र स्वर्ग द्वार वाला अयोध्या। हमरी छोड़ो ना बैया अवध सैया, हमरी छोड़ो ना बैया सिया के सैया, हमरी छोड़ो ना बैया सिया के सैया, हमरी छोड़ो ना बैया अवध सैया, हमरी छोड़ो ना बैया भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भरो रघुवर श्याम युगल चरना, युगल चरना हो युगल चरना, भजो रघुवर श्याम युगल चरना, एक में सरयुग निर्मल धारा, एक में सरयुग निर्मल धारा, दूजे कंस के मार बहावे जमुना, भजो निर्मल श्याम युगल चरना, भजो रघुवर श्याम युगल चरना। आज प्रभु का आगमन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही हर्षोत्साह है हम लोग के दिल में, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत आनंद आ रहा है। अयोध्या एक बार थोड़ा सा लुप्त हो रही थी, मगर फिर से उजागर हो चुकी है, प्रभु आ चुके हैं, अब तो आ ही गए होंगे। मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय किसको देना चाहिए? अब इतना हम नहीं बताएंगे, ये बोलने से तो फिर बहुत बेकार होगा, इसलिए हमको माफ किया जाए। बस देखिए, आदमी करता है सब तो प्रभु ही करवाते हैं। अब जिनके हाथ से लिखा है प्रभु करवा लिए, जिनको आना था गए, नहीं तो अब सब जगह नाकाबंदी है, गाड़ी नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, बस। हाँ, प्रभु सब करता, धर्मता प्रभु है, बस प्रभु के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है बेटा, खुशी का माहौल है। हाँ, खुशी का माहौल है, पूरा खुशी का माहौल है, चारों तरफ ही खुशी है।
कहाँ से आए हैं आप लोग? नमस्कार जी, हम लोग नेपाल से हैं, जनकपुर धाम के नजदीक से। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या देखकर आपको कैसा लग रहा है? इसे हमें तो हर वक्त मन होता है, सीता जी जब यहाँ आई थी अयोध्या में शुद्धिकरण हो, राम का मंदिर बने, ये हो गया बहुत दिन के बाद, तो ये देखने के लिए हम लोग नेपाल से आए हुए हैं। हमारे साथ और बाकी बहुत लोग हैं। जिस प्रकार से अयोध्या की विकास किया गया है, पुनर्स्थापना हुआ है, ये देखने से मन बहुत खुशी से गदगद होता है। और यहाँ लाखों करोड़ों लोग जो आए हैं, हमें लगता है कि अब भारत से ही पुनः ये सनातन और वैदिक परंपरा को स्थापना होगा और शुरुआत होगा, ये बहुत गर्व की बात है। तो हमें ये लगता है जो विगत समय से यहाँ मतलब राम मंदिर के बारे में जो विवाद थी, यहाँ वो भी सुलझा दिया गया है। और जिस हिसाब से मंदिर का निर्माण हुआ है, समग्र ये शहर का विकास हुआ है, इससे भारतीय अर्थतंत्र में और यहाँ के सांस्कृतिक जागरण में भी बहुत बड़ा आयाम आएगा, ऐसा हमें लगता है। थोड़ा सा अगर धार्मिक रूप से हटकर पॉलिटिकली देखा जाए तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? नहीं, इसमें श्रेय की बात ही नहीं है। अगर भाजपा ने पहले से राम मंदिर निर्माण के बारे में ये मुद्दा को आगे नहीं उठाता, संभवतः अयोध्या अपने हाथ में ये इट कुड बी द इन शैडो, बट वी थैंक्स भाजपा, इनने अपने जो मुकदमा उठाया राम जन्मभूमि का लेके कोर्ट से फैसला हुआ और अभी निर्विवाद होके यहाँ जो मंदिर बना है, इसका श्रेय भाजपा को जाता है। भाजपा में भी जो अभी नेतृत्व है, तो योगी आदित्यनाथ जी और मोदी सरकार जिसने मिलकर किए हैं, इनका दूरदर्शिता और इनके जो मतलब प्लानिंग है, इट लुक्स सो ग्रेट। इनने जिस प्रकार से अयोध्या को जीर्णोद्धार किया है, पूर्ण संरचित किया है, इट्स वंडरफुल। ये दुनिया के लिए दिखाने के लिए एक योग्य जगह बन गया है जी। आप अमेरिका में रहते हैं तो क्या विदेशों में भी इसकी धूम है रामोत्सव की? नहीं, बिल्कुल। अभी आपको एक बता दें, वैसे तो अमेरिका में भी विश्व का सबसे बड़ा दूसरा बड़ा मंदिर बना है हिंदू टेम्पल न्यू जर्सी में, अभी में मतलब 2 महीने पहले उद्घाटन हुआ था। लेकिन वो मंदिर बनना और राम लाला का मंदिर स्थापना करके उनका पुनर्प्राण प्रतिष्ठा होना मायने रखता है। ये अमेरिका नहीं, सारा दुनिया में ही इसका बहुत ज़ोर शोर से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। हमें लगता है कि आगामी के कई साल तक ये अयोध्या एक धार्मिक भूमि के तहत और पर्यटन धार्मिक पर्यटन के रूप से विशाल विशाल यहाँ आगमन होगा, बहुत लोग आएंगे, इसका उज्जवल भविष्य भी है। और इस चीज़ का विश्व में बहुत प्रचार प्रसार किया गया और लोगों ने सराहाया भी है इसको। इट्स वंडरफुल जॉब दे हैव डन, वी रियली प्राउड ऑफ अयोध्यावासी एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा आज संपन्न हुई। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा कर पुनः वापस हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में ही डेरा जमाए हुए थे और प्रातः ही जब वो सर्किट हाउस से अयोध्या निकलने के लिए रास्ते में थे, तो जगह जगह पर अयोध्या के नागरिकों के द्वारा जय श्री राम नारे के उद्घोष के साथ उनका स्वागत व अभिनंदन किया जाना जारी था। इस समय मौजूद हैं लता चौक पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के बाद, उड़ान के बाद लता चौक पर लोगों का आगमन खोल दिया गया है। भारी जनसमूह में लोगों का आगमन जारी हो चुका है। मीडिया पास, इसके पहले मीडिया पास धारक ही लता चौक व राम मंदिर मार्ग पर जा रहे थे, सुरक्षा के कड़े इंतजामात थे। जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और आईजी मौके पर कमान संभाले हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के उड़ान के बाद सभी के लिए खोल दिया गया है लता चौक पर, वो आसानी से घूम टहल सकते हैं और राम मंदिर जिस सड़क पर स्थित है उस पर भी आवागमन जारी हो चुका है।
आम लोगों से बात करने के बाद यहाँ पता चला कि पूर्ण रूप से ये धार्मिक उत्सव है, राष्ट्र का उत्सव है, इसको राजनीतिक रूप से देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने बताया कि अगर ये राजनीति के तहत ही सनातन धर्म का कार्य हो रहा है तो सनातनियों के लिए उत्सव का विषय अवश्य बनता है। कुछ लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में, मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पहले से ही चला आ रहा है। फिलहाल अयोध्या में उत्साह का माहौल है, सभी जगह उत्सव के रूप में अयोध्या वासियों के द्वारा आज प्राण प्रतिष्ठा के दिन को मनाया जा रहा है। अयोध्या से पाटेश्वरी सिंह, दैनिक भास्कर सिंह।